देखो, इंडियन कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो उतना भी अच्छा नहीं कर रहे कंपेयर टू अदर कंपटीटर्स, मतलब चाइनीज कंपनी। द मेन दिक्कत यह है कि इनके बैक क्लियर नहीं है, मतलब सर्विस सेंटर्स या फिर बाकी जितनी भी जिन लोगों को जो लोग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, वो चीज़ इनके अच्छे से अच्छे काम नहीं कर रहे। और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देखा जाए तो माइक्रोमैक्स के लिए भी। माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स नो डाउट सबसे ज़्यादा अच्छे हैं उन जिस प्राइस में वो आते हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि कोई फ़ोन अगर 8-9 हज़ार रुपये दे रहा है तो एटलीस्ट उसको सर्विस तो अच्छी मिले। कोई अपना पैसा खर्च कर रहा है तो एटलीस्ट उसको सर्विस तो अच्छी मिले। तो आज मैं ऐसी ही 5 चीज़ें बोलने वाला हूँ जो अगर माइक्रोमैक्स अगर अपने फ़ोन में ट्राई इम्प्रूव करने का ट्राई करे तो हो सकता है कि उसके प्रोडक्ट पहले से ज़्यादा बिके, और हो सकता है चाइनीज़ कंपनी को भी कंपटीशन पूरा दें। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कोलैबोरेशंस की। देखो, मैंने आज तक इंडियन मार्केट के अंदर कोई भी इंडियन ब्रांड को किसी अलग ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करते नहीं देखा। अब जैसे OnePlus का फ़ोन आया था, OnePlus 6 आया था शायद मैकलेरन एडिशन के साथ, और अभी जो iQOO 9 Pro आया है वो आया है BMW मोटर स्पोर्ट के साथ। मतलब ये दो तीन कंपनी या फिर बहुत कुछ लिमिटेड फ़ोन्स बनाते हैं इनके कोलैबोरेशन के साथ, जिससे लोगों को मानो मत मानो लेकिन लोग खरीदते तो हैं, और ये लोगों को सबकॉन्शियस लेवल पर अफेक्ट करता है। अगर यही चीज़ माइक्रोमैक्स के साथ माइक्रोमैक्स करे तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। अब देखो, पर्सनली मेरी फेवरेट सीरीज़ है मनी हाइस्ट। अगर मनी हाइस्ट के साथ कोई फ़ोन कोलैबोरेट करता है और वो फ़ोन अगर मेरे को लेना भी होगा, मेरे को लेना होगा और वो फ़ोन वो कंपनी कोलैबोरेट करती है उस फ़ोन के साथ और मनी हाइस्ट स्पेशल एडिशन मेरे को मिलता है, तो मैं 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा देने को तैयार हो जाऊंगा। और ये देखा जाए तो लोग खरीद भी लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ है ना कि कुछ लिमिटेड स्टॉक्स के लिए, लिमिटेड फ़ोन्स के लिए लोग ज़्यादा पैसे क्यों नहीं देंगे? क्या आप ऐसी चीज़ों के लिए पैसे दोगे? मेरे को कमेंट में बताओ। देखो, ये पार्ट देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल है। क्वालिटी फ़ोन्स में अच्छी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कोई भी नई कंपनी के लिए, लेकिन अगर वो ट्राई करें और वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी देने का पूरी कोशिश करें सस्ते से सस्ते फ़ोन्स के अंदर भी, तो एक बात समझो कि हर इंडियन को प्राउड होगा कि वो एक इंडियन फ़ोन चला रहा है और वो आगे भी प्रमोट करेंगे। अब जैसे बोट की एक बात करूँ मैं, बोट का नो डाउट बोट के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं पिछले 3-4 साल से 2018 से मैं बोट के प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, और मेरे से कोई पूछता है कि मेरे को कोई ईयरफोन लेना है, कोई स्पीकर लेना है, तो मैं उसे नो डाउट बोट का ही रेफरेंस देता हूँ। और जो स्पेशल क्या कहते हैं जो स्पेशल ईयरफोन है, लाइक ये वाला ईयरफोन मेरे पास है और इसका बेस इतना अच्छा है कि बहुत ही मस्त। अगर कोई भी मेरे को मिलता है उसको पहले मैं बस सुना देता हूँ, मैं कब मैं कुछ मत कर, तू बस एक बार ये सुन के देख ले। एक बार वो सुन नहीं लेगा तो वो पगला जाते हैं कि अरे भाई इतना तगड़ा बेस 500 रुपये के अंदर कोई और ईयरफोन दे देती, और कभी कभी तो 400 में भी मिल जाती है। तो ऐसी चीज़ है ना, आप जैसे बोट के ऊपर मैं पूरी तरह से प्राउड हूँ और मैं किसी को भी रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन जब बात आती है माइक्रोमैक्स की तो मेरे को सच बताऊँ तो 17 बार सोचना पड़ता है कि अगर इसकी बैटरी ख़राब हो गई तो ये मेरे को कितनी गाली देगा कि तूने मेरे को प्रोडक्ट सजेस्ट करा था और उसकी तो बैटरी ही चली गई। और हो सकता है चलो वो गाली ना भी दे, लेकिन माइक्रोमैक्स को एट दी एंड वो गाली ज़रूर देगा कि क्या क्या फ़ोन है, क्या मजाक बनाया रखा है। और धीरे धीरे करके लोग फिर ऐसे नेगेटिव पब्लिसिटी करेंगे। पब्लिसिटी नेगेटिव पब्लिसिटी की देखो बात करूँ तो, अगर कोई प्रोडक्ट किसी के लिए बेकार निकला, अगर मेरे को OnePlus का फ़ोन मैंने लिया 35-37 हज़ार रुपये खर्च करके और मेरे लिए वो अच्छा नहीं निकला, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो भले ही मैं बाद में कंपनी मेरे को सही करा के देते, लेकिन फिर भी एक सबकॉन्शियस माइंड में उसकी इमेज बन जाती कि ये फ़ोन उतना अच्छा नहीं है और इसको आगे किसी को भी रिकमेंड नहीं करना। तो ऐसा देखा जाए तो होता है और ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी तो मैं माइक्रोमैक्स से कहना चाहूँगा कि आप जितना चाहें उतना जितना पॉसिबल हो उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मेंटेन करें, कम से कम अपना कम से कम मार्जिन देखने के लिए। मार्जिन तो देखो बाद में बढ़ जाएगा, जब कंपनी बड़ी हो जाएगी तो मार्जिन अपने आप बढ़ जाता है। देखो, एक चीज़ और है कि ये जो पॉइंट है ये पहले पॉइंट से थोड़ा रेफरेंस होता है और थोड़ा सा देखा जाए तो अपडेटेड पॉइंट समझ लो पहले वाले पॉइंट का। देखो, इंडियन कंपनीज को ट्राई करना चाहिए कि वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब जे को एक मॉडल निकल गया तो इसके लिमिटेड 1 लाख कॉपीज़ या फिर 2 लाख कॉपीज़ जितनी भी वो बेच सकते हैं मार्केट में उतनी बना के रखें और अगले प्रोडक्ट की तरफ मूव करें। अगर वो सेम प्रोडक्ट के ऊपर लगे रहेंगे कि ये आज बिकेगा या फिर 6 महीने बाद बिकेगा, 2 साल बाद बिकेगा, तो ऐसे देखा जाए तो वो बिक तो जाएंगे लेकिन आपकी जो वैल्यू है और आपके प्रोडक्ट्स का जो मार्जिन है वो आप बहुत ज़्यादा कम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहे हो लोगों को कि आपके पास 2-3 ही फ़ोन है। अब देखा जाए तो अभी माइक्रोमैक्स के पास कितने फ़ोन है, 4 से 5 फ़ोन है, तो लोग लिमिट हो जाते हैं कि आप 13 हज़ार से 13.5 हज़ार से ऊपर ऊपर जा ही नहीं सकते लोग।
अब एक चीज़ और कहना चाहूँगा यार मैं, देखो अराउंड अभी 1-1.5 महीने से पहले से मैं वीडियो ढंग से बना रहा हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग सब्सक्राइब अब भी नहीं कर रहे। मतलब हाँ ऑलरेडी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर पिछले मंथ के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ, लेकिन अभी भी लोग अराउंड 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई का थोड़ा भला कर दो। देखो मानो मत मानो, लेकिन प्रोडक्ट बनने से पहले प्रोडक्ट का नाम जस्टिफाई कर देता कि एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा होगा। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ लावा अग्नि 5G को। लावा अग्नि के 5G का नाम देखा जाए तो कहीं से भी अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला था, मैंने एक मेरे भैया आए तो मैंने उनको बताया कि लावा का एक नया फ़ोन आ रहा है जिसका नाम है लावा अग्नि 5G। तो वो पहले तो 2 मिनट तक हंसे और बाद में बोले कि भाई ज़रूरी है तुम्हारी इंडियन कंपनी है तो संस्कृत भाषा में ही नाम लोगे, ये कोई बात है यार। मतलब ट्राई करो कि जितने से ज़्यादा जितने एक्सपेंसिव नाम आप रख सकते हो, सस्ते सस्ते फ़ोन्स के भी एक्सपेंसिव नाम अगर होंगे ना तो लोग खरीदने को एक इमेज तो बना ही देते कि एट दी एंड कि ये फ़ोन कैसा होगा एक्चुअल में। अब सैमसंग की एस सीरीज है, लोग इमेज पहले ही बना लेते हैं कि टॉप क्लास फ़ोन है, उससे ज़्यादा कर्रा फ़ोन उन्हें मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा ही सीन होना चाहिए माइक्रोमैक्स के साथ भी। और सही बताऊँ तो मेरे को माइक्रोमैक्स से ज़्यादा उम्मीद है, लावा से मेरे को उतनी उतनी उम्मीद भी नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो अभी कोई अक्टूबर में फ़ोन आया था लास्ट, अक्टूबर नवंबर ऐसे कुछ आया था लावा अग्नि 5G, वैसे बेकार नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था। अगर 20,000 कोई दे रहा है तो एक बात बताऊँ कि 20,000 में बहुत सारी चीज़ें रियलमी अपग्रेडेड ही दे रहा है, बहुत सारे बैग्स भी क्लियर है उनके, तो इतनी प्रॉब्लम्स लोगों को रियलमी के साथ नहीं आती है। रियलमी के फ़ोन जस्ट 1-1.5 दिन में वो सही करके दे देते हैं, और अगर छोटी प्रॉब्लम्स हो जस्ट 1-1.5 घंटे में ठीक करके दे देते हैं, लेकिन इनके साथ वो सीन नहीं है ना। और रियलमी का सर्विस सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो यार छोटे से छोटे टाउन के अंदर है रियलमी और MI का सर्विस सेंटर। तो लोग MI और रियलमी क्यों ना खरीदे जब उनको इतनी आसानी पड़ेगी बाद में कभी फ़ोन सही कराने पे भी। तो मैं कहना चाहूँगा कि नाम एटलीस्ट नाम अच्छे रखने का ट्राई करें जितने ज़्यादा पॉसिबल हो। लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि इनको अपनी प्रोडक्ट निकालने की स्पीड ज़्यादा रखनी चाहिए। ये थोड़ा सा हाँ सेकंड पॉइंट्स ये थोड़ा सा हाँ सेकंड पॉइंट से थोड़ा सा इंटरप्रीट कह सकते हो, तो ऐसा होना तो चाहिए। अब जैसे देखो रियलमी का फ़ोन है, मतलब ऑलमोस्ट हर महीने या फिर हर 6-7 महीने बाद रियलमी 8i 7i मतलब जितने भी होते हैं उनकी एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है। अब हो सकता है वो अपग्रेड भी हो, जैसे 6i से 7i डाउनग्रेड था, इतना अच्छा नहीं था लेकिन 7i फिर भी बिका। एंड लोगों को एक नया फ़ोन मिला कि एटलीस्ट कुछ नया प्रोडक्ट अवेलेबल है। और मानो मत मानो 6i और 7i में भले ही 6i बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी लोग एक सबकॉन्शियस लेवल पे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ 7 नंबर बड़ा है तो 7i शायद ज़्यादा अच्छा होगा। लोग ट्राई तो एटलीस्ट पूरा करते हैं जिनको स्पेक्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती और ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स पता नहीं होते। अब इंडियन ब्रांड में जैसे लावा आया था तो लावा गायब हो गया, अब माइक्रोमैक्स अभी फ़ोन लॉन्च किया। अब मेरे को लगता है कि अब ऐसा दिसंबर ऐसा फरवरी के लास्ट में मैंने मेरे को सुनने में आया था कि माइक्रोमैक्स का एक 5G फ़ोन आने वाला है। अब 28 फरवरी आज देखा जाए तो, और आज लास्ट डे है फरवरी का, तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, कोई कुछ नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता अगले 10 दिन भी कोई फ़ोन आने वाला है। तो प्रॉब्लम यह है कि इनको एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए जितने ज़्यादा पॉसिबल कर सकते हैं। अब इनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, टेक्निक गुरु जी की वीडियो थी वो, उसमें बता रहे थे कि इनकी दो दो शायद खुद की फैक्ट्रीज हैं जिनमें इनके एक्चुअल फ़ोन्स बनते हैं माइक्रोमैक्स वालों के। तो यार वो तो ठीक है तुम्हारी फैक्ट्रीज हैं वो सब अच्छा है, लेकिन तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है तो फैक्ट्री का क्या करोगे। फैक्ट्री है बहुत अच्छी बात है लेकिन एटलीस्ट प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा निकालो, क्योंकि वही चीज़ है जो आपकी कंपनीज को बना सकते हैं। क्योंकि आप फैक्ट्री नहीं बेचोगे ना, प्रोडक्ट बेचोगे एट दी एंड। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक मारो, नहीं पसंद आए डिसलाइक मारो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हे बस आने का, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से क्योंकि बहुत ज़रूरत है उसकी।